दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर आज यानी कि 27 अगस्त को सुनवाई होगी। केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। 20 अगस्त को लोअर कोर्ट ने केजरीवाल की हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी थी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी, साथ ही जमानत के लिए लोअर कोर्ट जाने को कहा था। 23 अगस्त को सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि उन्हें शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक पर केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। सीबीआई ने केजरीवाल के लिए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, इस पर भी आज सुनवाई होगी। शराब नीति केस में केजरीवाल के खिलाफ ईडी और सीबीआई का केस चल रहा है। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, हालांकि इस मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं सीबीआई केस में वह जेल में बंद है। सीबीआई ने 26 जून को शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दे दी थी। जमानत देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में है, इसीलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। जस्टिस खन्ना ने कहा था कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है, इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है। अब जिस तरीके से सीएम केजरीवाल के पूरे जो सीबीआई का मामला है उस पर आज सुनवाई होनी है, ऐसे में केजरीवाल को राहत मिलेगी भी या नहीं, ये एक बड़ा फैसला होगा।